बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही चिकन की एक और वैरायटी। मैं आज उस तरीके से बनाऊंगी जिस तरह मैं अपने घर में चिकन का सालन बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है घर का सालन। उसके लिए चाहिए चिकन हाफ के जी है मेरे पास, लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून, 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 अदद प्याज है, 1 टमाटर है, ये दही है। ये आगे चल के आप अंदाजे से मैं आपको बताऊंगी इसको मैंने कितना लिया है। ये मैंने इतना लिया है। और ये मेथी दाना डलेगा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, और ये चुटकी बराबर मैंने डालना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं डालते वरना इसका फ्लेवर ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको कम डालते हैं। फिर बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल, प्याज, साथ ही इसके अंदर जाएगा मेथी दाना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने आंच को हल्का रखना, तेज नहीं करना, ताकि जो मेथी दाना मैंने डाला है इससे यह होता है कि इसका फ्लेवर निकलता है हल्की आंच पे। अगर तेज पे करेंगे तो इसका फ्लेवर नहीं निकलेगा। ये बहुत मज़े का सालन बनता है। 2 मिनट के बाद जब ये प्याज थोड़े से सोते हो जाएगा तो फिर मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। ये मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, हल्की आंच पे सारा काम किया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक, इसको भी 3 मिनट तक बस भूनेंगे। बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन अदरक का। ये देखिए प्याज का कलर ऐसा होना चाहिए, लहसुन अदरक भी डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल दी, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब पानी डालेंगे, साथ ही में चिकन डाल देंगे। जब हम कोई भी मीट पकाए, चिकन हो या मटन हो, तो अगर उसको अच्छी तरह भूनेंगे तो जो प्याज है वो खुद ब खुद ही उसमें हल हो जाता है। बस इसका थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए बस इसको पकाऊंगी ताकि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाए। टमाटर, साथ सारे मसाले दिखाओ ना। अब इसको मैंने भूनना है 2 मिनट के लिए। चलो आ जाओ, ये मसाला डाल के मैंने इसको भूना है। अब देखी जाएगा इसको 10 मिनट तक भूने। अब ये देखी जाएगा, अब दही को अच्छी तरह भूनेंगे इसमें। पानी डाला मैंने, अब बस इसको भूनेंगे। ये मसाला भून गया अच्छी तरह। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह इसकी यखनी निकले। वेट नहीं देना, बस इसको तो मैं इसका ढक्कन दे दूंगी। अच्छा,
अब ये है जीरा, ये लूंगी मैं इतना इक्वल 1 टीस्पून। इसको कूट के जब सालन पक जाएगा तो इसमें जीरा डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। चलो ये मैंने इसको ऐसे कवर किया हुआ था, ये सालन मेरा तैयार है। इसको चूल्हा बंद कर दूंगी, फ्लेम ऑफ कर दिए। बस अब ये था कुटा हुआ जीरा जो मैंने 1 टीस्पून ये जाएंगे, और ये गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। अगर गरम मसाला पाउडर नहीं है तो बेशक ना डालें, ये खाली कुटे हुए जीरे का इतना अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा कि तो गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। कि मैं इसको मिक्स किया, अब इसको डाल के सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूंगी, फिर आपको डिश आउट करती हूँ। मैं को हरे धनिए से गार्निश करें। घर का सालन तैयार है, आप भी जरूर ट्राई करें, मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।